आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, मेरे साथ विक्की गोयल हैं और अभी हम लोग लगभग एक से डेढ़ घंटा बीपीएससी ऑफिस के अंदर बातचीत करके आए। आपका जो क्वायरीज था कि एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम होगा, पूरक रिजल्ट का क्या हो सकता है, पूरक रिजल्ट आएगा, TRE-4 में भी विलंब होगा क्या, एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, बहुत सारा जो आपका कंफ्यूजन था, सारा कंफ्यूजन को लेकर वहां हम लोग लगभग चर्चा किए, उसी पर जानकारी इन्हीं से लेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, बहुत बड़ा सहयोग रहा, हम लोग अच्छा से बात किए, अधिकारी लोगों का भी सहयोग मिला। जी जी जी, क्या एग्जाम डेट को लेकर आप क्या कहिएगा, 21 चल रहा है, कितना उसमें सच्चाई है थोड़ा सा? देखिए, जैसा कि कल रात तक ही तमाम नेशनल चैनल की मैं बात करूं या फिर यूट्यूब पे भी देख रहा हूं कि 20-21 बताया जा रहा है। रजनीश भाई के द्वारा जहां तक मुझे जानकारी मिला है कि मैसेज के द्वारा सर्कुलेट किया गया, वही सर्कुलेट को नेशनल चैनल पे भी चलाया जा रहा है या फिर यूट्यूब पे भी चलाया जा रहा है। आपने भी देखा कुंदन सर जो संयुक्त सचिव है बीपीएससी के, संयुक्त सचिव है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो सेक्रेटरी यानी चेयरमैन जो है, अध्यक्ष जो है रवि परमार सर जो है वो अध्यक्ष है। तो उन्होंने कहा कि देखिए 20-21 का 100% मान के चलिए कि नहीं होगा, जैसा कि उन्होंने बताया, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, जून के एंड में होने की पूर्ण संभावना है, मैं इसलिए जून में ही होगी, जून में ही होंगी जैसा कि उन्होंने बताया सर कि जून के एंड तक होने की संभावना है। जी, पूरक रिजल्ट पर बहुत बवाल छिड़ गया है, ऐसे पूरक रिजल्ट आ जाएगा, अगला दिन पूरक रिजल्ट आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, पूरक रिजल्ट का प्रोसेस क्या है? कुछ लोग तो दावा भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे स्पष्ट तरीके से आपके सामने ही कहा गया कि दुनिया दावा कर रही है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उस कुर्सी से मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी बातों को क्या लोग सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ क्या उस पर पहल हो रही है नहीं हो रही है, क्या उस पर आगे प्रोसेस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। और उन्होंने सही बोला कि देखिये पूरक रिजल्ट अभी तक के हिसाब से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि TRE-1 खत्म, 2 खत्म, 3 की परीक्षाएं भी हो गया। खैर, ये आर्थिक अपराधी का EOU अगर छापा नहीं मारती हजारीबाग झारखंड में और 263 कैंडिडेटों को अगर अरेस्ट नहीं करती तो ये 3 भी खत्म ही था सर, 3 भी खत्म ही था, लेकिन ये आर्थिक अपराधी क्वेश्चन रद्द हुआ। तो आर्थिक अपराध EOU के कारण ये रद्द हुआ। अब कहना उनका ये है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो जिक्र आप जो लोग जो कर रहे हैं, चाहे तमाम लोग जो कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये बीपीएससी नहीं करेगी, विभाग करेगी। उन्होंने जिस प्रकार बताया, विभाग बोलेगी कि बीपीएससी साहब आप 5000 सीट पे सप्लीमेंट्री दे दीजिए, 10000 सीट पे दे दीजिए सप्लीमेंट्री, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार गवर्नमेंट को प्रेशर दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट मजबूर होकर विभाग को कहेगी कि भाई तुम सप्लीमेंट्री दिलवाओ, अब विभाग फिर बीपीएससी को कहेगी कि भाई साहब तुम अब सप्लीमेंट्री दे दो, तो ये 3 वेद से गुजरना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं। जैसे साफ तौर पर कहना है बीपीएससी एक आयोग है, आयोग को जितना शिक्षा विभाग से आदेश आएगा कि हमको इतना कर्मचारी चाहिए, हमको इतना टीचर चाहिए, हमको इतना रिजल्ट चाहिए, तो बीपीएससी देगी। यानी आपका पूरक रिजल्ट जो है, हम घुमाने फिराने वाले हम चैनल नहीं है, हमको व्यूज से कोई मतलब खास नहीं है, आपका सच्चाई दिखाते हैं, हम लोग यही काम करते हैं। मतलब ये है कि पूरक रिजल्ट यदि शिक्षा विभाग मांगेगी तो बीपीएससी दे देगी, नहीं मांगेगी नहीं देगी। और जो प्रश्न था कि किस प्रकार का इस बार परिवर्तन हो रहा है एग्जाम में, सब कुछ कैसे सब सुधार हो रहा है, जिस प्रकार उन्होंने बताया कि सब कुछ इस बार नए सिरे से है, क्योंकि एक तरफ पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट 90 नंबर और 82 नंबर वाला मैटर आ गया, यानी कि 55% और 60% का मैटर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आर्थिक अपराध इकाई जिस प्रकार उंगली उठाई है बीपीएससी के ऊपर कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो प्रेस से ही लीक हुआ था पेन ड्राइव के माध्यम से, तो यहाँ पे सब कुछ नए सिरे हो गया, यहाँ तक कि अध्यक्ष भी चेंज हो गए हैं। अगर अतुल जी होते वाकई में अभी भी चेयरमैन होते तो जरूर कुछ ना कुछ यूनिक करने का प्रयास करते, क्योंकि वो थोड़ा एक्टिव माने जाते थे, लेकिन रवि परमार सर जो अभी चेयरमैन है बीपीएससी के, वो ना ही कुछ बोलते हैं और ना ही स्पष्ट तरीका से, जहां तक मुझे जानकारी है, आप लोग भी समझ ही रहे होंगे, पूरा बिहार जान रहा है, वो कुछ स्पष्ट नहीं करते हैं। मतलब जो सीट खाली होगा, मान लीजिए जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि TRE-1 TRE-2 का यदि देखा जाए तो 20,000 सीट खाली हो सकता है, 15,000 खाली हो सकता है, ये आंकड़ा है, ये अनुमान है, ये मान के चलिए 90 अंक से कम वाले, विकलांग वाले, उसके बाद जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है, वो जिनका साइंस ये कंप्यूटर साइंस वाले हैं, बहुत सारे लोग को जोड़ा जाए तो हो जाएगा, उन लोगों का सीट क्या अगला में ही तब जुड़ेगा? जिस प्रकार उन्होंने बताया कि ये सीट TRE-4 में जुटेगा, तब हो गया बात, वही हो गया बैकलॉग। जैसे ही जो सीट वैकेंट हो जाती है वो सीट अगर आगे की बहाली में जुड़े तो उसे कहा जाता है बैकलॉग सीट। अब वो सीट नेक्स्ट बहाली में जो जुड़ेगी TRE-4 में, अब सप्लीमेंट्री की देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ सर, जो भी है। एक प्रश्न यहीं पे, बैकलॉग की बात आई थी तो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है शिक्षा विभाग को कि आप TRE-1 का सीट क्या किए, TRE-2 का सीट क्या किए, आप भी चलाए थे, TRE-3 का जो सीट बचेगा आप क्या करिएगा, यानी आपका क्या यही मंशा है कि हर बार सीट बचाइएगा आगे करिएगा, इस पर आप क्या करिएगा?
ये तो सर बीपीएससी का मसला है ही नहीं, ये मसला फिर विभाग किया जाती है बीपीएससी, ये कैसे है सर? ये अब विभाग कहेगी कि भाई तो दे देना भाई, उसको नहीं रखना है व्याकरण तो सप्लीमेंट्री में दे दे, लेकिन देगी तो वही ना पाठक सर ही तो देंगे, पाठक सर कहा देंगे अगर यहाँ चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब आप जो है वो सप्लीमेंट्री दे दीजिए, तो इनको देना मजबूरी होगा, क्यों नहीं देंगे? इनको जो अपना एक ये एक बॉडी है, एग्जाम कंडक्ट करती है, रियल प्रकाशित करती है, उसके बाद अपने जिस भी विभाग के रिक्तियां होता है, सीट होता है, उसे कहती है कि तुम अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकते हो, तुम अब यहाँ पे ज्वाइनिंग करा सकते हो, तो वही ज्वाइनिंग कराने का काम उनका है, एग्जाम कंडक्ट करने का काम भाई बीपीएससी का है, तो अब वो पाठक जी के ऊपर डिपेंड है, पाठक जी क्या कर रहे हैं बस। जो भी एग्जाम टूर को देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा, इसके बावजूद कोई प्रश्न आपके मन में लगे कमेंट करिएगा, फिर से हम लोग आएंगे, हम आप फिर से अभिषेक भाई आए हैं फिर तो से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, अगर जरूरत पड़ा एक घंटा से भी अभाव जहाँ तक लगा मुझे कि एक घंटा से भी ज्यादा समय हम लोग को दिए है अपुंदन सर, इसके लिए सर को भी एक बार बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, हम लोग बोल के आए हैं कि भाई धन्यवाद आपको हम देंगे, आप वीडियो भी देख लीजिएगा, तो धन्यवाद उनका बहुत बहुत, और चलिए जब भी जरूरत लगेगा कि आप हम लोग चले बीपीएससी ऑफिस तो हम लोग जरूर चलेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोई प्रश्न छूटे ना, कहीं भी डाउट हो आपको अपने सब्जेक्ट से किसी प्रकार का, तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद।